नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो क्या है खास आज के इतिहास में? जब शाही परिवार के राजा रानी के बीच तलाक की घोषणा हुई थी आज ही के दिन, और दुनिया भर में 1 अरब लोगों ने इनकी शादी देखी थी। 1992 में आज ही के दिन ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना के तलाक की घोषणा हुई थी। उस समय के ब्रिटिश पीएम जॉन मेजर ने दोनों के अलग होने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद 28 अगस्त 1996 को दोनों का तलाक हो गया। 24 फरवरी 1981 को डायना और प्रिंस चार्ल्स की सगाई हुई थी। सगाई में डायना ने जो अंगूठी पहनी थी उसकी कीमत उस समय 30,000 पाउंड थी, जिसमें एक नीलम और 14 हीरे जड़े हुए थे। 29 जुलाई 1981 को उनकी शादी हुई। उनकी शादी की ड्रेस डेविड और एलिजाबेथ एमैनुअल की डिज़ाइन की हुई थी। इसमें 24 फीट की चुनरी थी जिसे हाथी दांत से बने टाफेटा और एंटीक लेस से सजाया गया था। शादी के वक्त डायना की उम्र 20 साल थी। शादी के कुछ सालों बाद ही प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स के बीच रिश्ते खराब होने लगे थे। 1992 में जब प्रिंसेस डायना भारत दौरे पर आई, तब उन्होंने ताजमहल के सामने अकेले बैठकर तस्वीर खिंचवाई थी। 28 अगस्त 1996 को दोनों का तलाक हो गया। तलाक के एक साल बाद ही 31 अगस्त 1997 में एक रोड एक्सीडेंट में डायना की मौत हो गई, जबकि अप्रैल 2005 में प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से शादी कर ली। आज ही के दिन इतिहास में सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को सोनिया गांधी का जन्म हुआ। उनका असली नाम एंटोनियो माइनो था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सोनिया कैम्ब्रिज पहुंची। यहाँ 1965 में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। 1968 में दोनों की शादी हुई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। उनकी हत्या के 7 साल बाद 1998 में सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1999 में पहली बार अमेठी से लोकसभा सांसद चुनी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ एक ही सीट जीत सकी हैं, और वो सीट है रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी चुनी गई हैं। भारत और दुनिया में आज ही के दिन यानी कि 9 दिसंबर को कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, वो भी देख लेते हैं। 1625 में हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच सैन्य संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 1758 में भारत में मद्रास का 13 महीनों तक चलने वाला युद्ध शुरू हुआ था। 1762 में ब्रिटिश संसद ने पेरिस संधि को मंजूर किया था। 1873 में हिज एक्सीलेंसी जॉर्ज बेरिंग वायसराय तथा भारत के गवर्नर जनरल ने मेयो कॉलेज की नींव रखी। 1898 में बेलूर मठ की स्थापना की गई। 1910 में फ्रांसीसी सेनाओं ने मोरक्को के बंदरगाह शहर अदागीर पर कब्जा किया था। 1917 में जनरल एलनबाई के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने यरूशलम पर कब्जा किया। 1924 में हॉलैंड और हंगरी के बीच व्यापार संधि हुई। 1931 में जापानी सेना ने चीन के जेहोल प्रांत पर हमला किया था। 1941 में चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। 1947 में फ्रांसीसी मजदूर संघ ने हड़ताल समाप्त कर सरकार से बात शुरू की। 1971 में लिबरेशन वॉर के दौरान भारतीय सेना ने हवाई अभियान मेघना हेली ब्रिज छेड़ा था। 1998 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों शेन वॉन और मार्क वॉन ने एक भारतीय सट्टेबाज से 1994 में श्रीलंका दौरे पर रिश्वत लेने की बात स्वीकारी। 2001 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2001 में तालिबान में नॉर्दर्न अलायंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसमें 21 लोगों की जान गई थी। 2002 में जॉन स्नो अमेरिका के नए वित्त मंत्री बने। 2006 में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हत्फ 3 गजनवी का परीक्षण किया था। 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सरकार के साथ अपने सभी रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। 2008 में इसरो ने यूरोप के उपग्रह प्रणाली विशेषज्ञ ATM एट्रियस के लिए सैटेलाइट बनाया। 2012 में मैक्सिको में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में इंडोनेशिया में बिंटारो के समीप ट्रेन हादसे में 7 की मौत और 63 लोग घायल हो गए थे। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।